हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर कम्युनिकेशन इन इंडिया, जिसमें हम कम्युनिकेशन, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक सेल्फ सर्वे करते हैं। यहाँ पर बच्चों, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, आपको उनको पहचानना है और उसके नीचे उनका नाम लिखना है। जैसे कि पहली है स्मार्टफोन, दूसरा है न्यूज़पेपर, थर्ड है फैक्स मशीन एंड फोर्थ है लेटर। तो बच्चों, आपने हॉर्स राइडर्स को मैसेज डिलीवर करते हुए सुना होगा, या लोग पहले कबूतर से मैसेज भेजते थे दूर की जगहों पर पुराने समय में। ये मेथड से जो मैसेज भेजे जाते थे वो बहुत क्विक, जल्दी से नहीं पहुंचते थे, लेकिन आजकल आप देखते हो, आप दुनिया में कहीं पर भी हो, सेकंड्स में ही आप ईमेल से, अपने कंप्यूटर से, इंटरनेट से मैसेज को भेज सकते हैं। दो फ्रेंड्स जो है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में होते हुए भी एक दूसरे को मोबाइल फोन से किसी भी समय बात कर सकते हैं। तो ये जो है ह्यूमन बीइंग्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का तरीका अभी बहुत बदल गया है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मीन्स है अपने मैसेजेस को एक दूसरे को भेजना और रिसीव करना। हम अपनी फीलिंग्स को दूसरों को बता करके, लिख करके या साइलेंट इंडिकेशन से हम मैसेज कन्वे करते हैं। तो जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो अलग अलग तरीकों से एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। अलग अलग तरह की आवाजें होती हैं, जिस अलग अलग स्पीशीज की अलग आवाज होती है। ह्यूमंस में वो एक दूसरे से डायलेक्ट करके कम्युनिकेट करते हैं। अलग अलग लैंग्वेजेस को समझने की जरूरत होती है, जैसे कि कुछ डिवाइसेस होती हैं जो हम बोलते हैं या मैसेज भेजते हैं, तो एक व्यक्ति उनको दूसरे को समझता है। तो इसको हम मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन पहली है पोस्टल सर्विस। तो बच्चों, पोस्टल सर्विस गवर्नमेंट पोस्टल ऑफिस सिस्टम है, जो कि जिसमें कि मेल को भेजा जाता है, छांटा जाता है, फिर उसको डिस्पैच किया जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इंडियन पोस्टल सर्विस जो है वो दूसरे देशों की तुलना में बहुत अच्छी है। लेटर्स यहाँ पर डिलीवर किए जाते हैं। टेलीफोन्स या फोन एक टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस है, जो कि मैसेजेस को साउंड के थ्रू ट्रांसमिट और रिसीव किया जाता है। तो भारत में पब्लिक कॉल, एसटीडी कॉल और आईएसडी कॉल किए जाते हैं। फैक्स, फैक्स एक ऐसा मेथड है जिसमें हम डॉक्यूमेंट को भेजते हैं, फोटोग्राफ है, ड्राइंग है या कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो हम फोन या रेडियो से एग्जैक्ट उसका रिप्रोडक्शन दूसरी जगह पर ले लेते हैं। ये पूरे देश में अवेलेबल है। अब हम मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन पढ़े। तो बच्चों, जब एक ही मैसेज को बहुत सारे लोगों को एक साथ पहुंचाना होता है अलग अलग लोकेशन पे, तब हम मास कम्युनिकेशन यूज करते हैं। जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, सिनेमा, रेडियो, ये सभी मास कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, तो बच्चों न्यूज़पेपर पूरे देश दुनिया में क्या हो रहा है वो खबर को पहुंचाता है एक जगह से दूसरी जगह। एंड न्यूज़पेपर और मैगजीन जो होती है वो अलग अलग लैंग्वेज में प्रिंट किए जाते हैं, और ये बहुत ही सस्ता और सबसे बड़ा मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है। इंटरनेट, बच्चों आजकल के युग में इंटरनेट बहुत ही सस्ता और रिलायबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ये सिर्फ कम्युनिकेशन ही नहीं है, लेकिन ये एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन के लिए भी बहुत यूजफुल है। एंड इंटरनेट से पूरी दुनिया एक बहुत ही छोटा सा काम करने की जगह बन गई है। एंड हम इंटरनेट पर कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं सर्च इंजन की हेल्प से। रेडियो एंड टेलीविजन, तो बच्चों न्यूज और इंटरटेनमेंट प्रोग्राम हमारे रेडियो और टीवी पर ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। रेडियो सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग कर सकता है, ऑडियो को सिर्फ सुनाई दे सकता है रेडियो में, जबकि टीवी पर हम ऑडियो और वीडियो दोनों तरह का कम्युनिकेशन चलता है। हम बहुत तरह के प्रोग्राम देखते हैं, फिल्म देखते हैं टीवी पर। थैंक यू।